खान सॉरी रुकिए सिर्फ आपके लिए था कम ऑन मिस्टर खान ऐसा एपिक परफॉर्मेंस तो नजमा और भूपी का देखना भी बनता है नहीं है ना भूपी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी ना ब्रिलियंट ब्रिलियंट सुपर भाईजान वैसे अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है तो मैं तो भाई तुम्हें फिल्म स्टार ही बनाती इसलिए अम्मी भाईजान तो सलमान खान है वाओ भाईजान देखिए आप हम जा रहे हैं ओके एंड यू आर सो सॉरी आपके शो में बिना टिकट आने के लिए चल चल कंटिन्यू बस मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें हमेशा खुश रहें और आपकी ये डिंपल्स मुझे हमेशा दिखते रहें ऑल द टाइम इतनी खुशियां मत दीजिए मिस्टर खान कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग जाती है ठीक है फिर आपकी अगली विश पूरी करने से पहले थोड़ा गैप ले लेते हैं मेरी अगली विश वैसे भी आज रात को पूरी नहीं हो सकती इट्स रेनिंग सो टेक योर टाइम बेशर्मी क्या है ये सब अरे हमने इतना कुछ दिया ऐसी नबी को उसके बाद भी उनकी मांगे खत्म नहीं हो रही ये कॉलेज थमा दिया हमें आप भी कमाल कर रहे हैं राशिद मियां अरे लड़की के अब्बू इस तरह से लड़के वालों की मांगों से घबराने लग गए ना तो फिर चल चुकी दुनिया और हो चुके निकाह अरे मुझे देने से कोई एतराज नहीं है कोई एतराज नहीं है लेकिन ये देखा ना आपने क्या लिखा है इसमें उन्हें अपने सौ रिश्तेदारों के लिए 100 सोने की गिन्नियां चाहिए वो भी हर गिन्नी पे हर रिश्तेदार का नाम गुदवा कर अलाहाबाद में अपना सर ऊंचा करने के लिए हमारी कमर तोड़ रही है राशिद लड़की के निकाह में रिश्तेदारों के लिए सब करना पड़ता है ना अरे कौन लोग कौन रिश्तेदार है कौन ये लोग जिन लोगों को हम जानते नहीं उन्हें देने से बेहतर है कि अपने बेटे को दे दूंगा सब कुछ मैं क्या गरीबों में बांट दूंगा निखत अप्पू ये सब कुछ नहीं बेटा बस ऐसे शादी की तैयारियां चल रही ना तो थोड़ा बहुत टेंशन तुम फिक्र मत करो बेटा निखत आप अपने कमरे में जाइए तो नुजहत लेके जाइए दीदी क्या आप चाहती हैं कि आपकी शादी ऐसे हो नहीं मैं तो चाहती हूँ निकाह सादगी से हो जितना मेरा ख्याल है इमरान भी यही चाहते हैं दीदी फिर आप उनको बोलते क्यों नहीं है कि आपको ये सब तामझाम नहीं चाहिए मैं क्या बोलूँ दीदी ये शादी आपकी और इमरान जीजू की है ये शादी कैसे हो इसमें आपकी भी राय होनी चाहिए दीदी देखिए ना ये सब तामझाम से आपके पिताजी कितने परेशान हैं। दीदी चुप मत रहिए बोलिए इससे पहले देर हो जाए बोलिए
तारों भरी रात में खुले आसमान के नीचे वो मेरा हाथ थामे। लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए असली में तारे तोड़ कर ला। पर आपने तो कहा था मेरी नेक्स्ट विश पूरी करने में आप थोड़ा सा गैप लेंगे। तो आपकी प्रीवियस विश और इस विश में गैप था ना, पूरे 15 मिनट। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मैं पागल हो जाऊंगी खुशी से। सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूं। Come with me. Come with. Where? कहाँ? चलिए। क्या कर रही हो मेरा? ये आप क्या कर रही हैं रजनीत? अपना रोजा क्यों नहीं खोला है आपने? आपने कब्र में फिर से ढूंढा, लेकिन हमें पंकज से कहीं नहीं मिला। आप ही बताइए, एक ब्याहता जिसका मंगलसूत्र खो गया है, उसके गले से दीवाला कैसे उतरेगा? विक्रम हमारे लिए कितने प्यार से लेके आए थे, जबकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें तो शर्म आ रही है अपने आप पे, हमारी सुहाग की निशानी हम संभाल नहीं पाए। हम कितने बुरे पत्ती हैं, लेकिन हमें ये बात समझ भी नहीं आ रही है कब्रे में से मंगलसूत्र कहाँ जा सकता है।
मामी जी सहरी के लिए उठी होगी, लेकिन ये समय तो सहरी का है ही नहीं। हे राम, ये औरत भी ना। विक्रम ने मंगलसूत्र ढूंढ लिया, शायद इसलिए रात भर सोए नहीं होंगे, इसे ढूंढते रह गए। अच्छा इंसान है, फिर हमें गलत। उनको धन्यवाद बोल के आते हैं। विक्रम, चले गए। अरे उठा ठीक से। मैडम जी, इस उम्र में भी दादी का वजन बहुत है, गाड़ी में रखना मुश्किल है, इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बेशरम, चल उठा जल्दी और रख गाड़ी में, रख वरना। ठीक है ठीक है, रखते हैं, हम तो वैसे ही ड्राइव मार रहे थे, रखते हैं। अजी मैडम जी, हो गया काम।
अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बुढ़िया को तो किसी सुनसान जगह में फेंक के आ जाओ, और ये गाड़ी बेशक इसे भी वहीं छोड़ाना, ऐसे भी घर में इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। गाड़ी को वहीं छोड़ दें? कमाल करते हैं मैडम जी आप भी। किसी ने ना सही कहा है कि जब इंसान के पास पैसा ज्यादा आ जाता है ना, तो उसको पैसे की कदर ही नहीं रहती। अभी गाड़ी क्यों फेंकनी? तो मैं काम करता हूँ, मैं दादी को फेंक दूंगा और गाड़ी खुद रख लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। सॉरी दादी जी, अब हम क्या करें? हमें तो करना पड़ेगा ना, हम तो बस लक्ष्मी जी के पुजारी हैं। अरे हो जा स्टार्ट। अब मैं क्या करूं? अगर दादी को हंस ठिकाने ना लगाया तो मैडम जी फिर से लेडीज विलन बन जाएंगी। अरे हो जा स्टार्ट। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, दादी को दूसरी गाड़ी में लेके जाता हूं। घूमने के लिए आया था, नींद नहीं आ रही थी, फिर देखा गाड़ी की डिक्की खुली थी, सोचा बंद कर दूं, बस वही बंद करने आया था। सुनो, क्या हुआ जी? वो धन्यवाद कहना था, आपने हमारे लिए मंगलसूत्र ढूंढ लिया। मिल गया? मेरा मतलब है मिलना ही था, मैंने इतनी मेहनत से तो ढूंढा था। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं पहना दीजिए ना। बाद में? हाँ बाद में पिलाऊंगा, तुम जाओ। बाद में? बाद में खो गया तो? अभी पहना दीजिए। सुनो, तुम खुद पहन लो। हाँ देखो, मेरे हाथ भी गंदे हैं और मुझे गाड़ी भी ठीक करनी है, कितने अच्छे लोग हैं, मेरा फर्ज बनता है ना, तुम जाओ। हम खुद ही कोशिश करते हैं। हाँ ओ, ये पीछे हाथी नहीं पहुंच रहा है, फूंक तो बंद कर दीजिए। अरे बाद में कर दूंगा, तुम जाओ। आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो विक्रम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आ गए। तो जाते जाते ये गाड़ी का दरवाजा उन्होंने खुला देखा तो उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये दरवाजा खराब है। ये गाड़ी तो काफी महीनों से इस्तेमाल नहीं हुई है, क्या हुआ है उसे? देखिए आप इन्हें मंगलसूत्र पहना दीजिए। क्या? देखिए मेरे दोनों हाथ खराब हैं, एक छोटा सा हुक्की तो लगाना है, प्लीज।